खाने वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ढाबा स्टाइल मटर पनीर, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा बटर ले लेंगे और इसमें पनीर को फ्राई कर लेते हैं। अभी हमारा पनीर फ्राई हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं। अभी इसी पैन में हम दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे और इसमें डालते हैं 2 तेज पान, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, अदरक लहसुन की पेस्ट अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। अभी डालते हैं 2 बड़े प्याज की पेस्ट, मिक्सी में से निकाल लेना है। इसे अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेते हैं। अब इसमें हम हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच और काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, इसे अच्छे से भून लेते हैं। हमारे मसाले भी अच्छे से भून जाने चाहिए। अब इसमें टोमेटो की प्यूरी, 2 टोमेटो लिए थे, कच्चे ही मिक्सी में पीस लिए थे, इसे अच्छे से होने देते हैं तेल बाहर निकलने तक। अब हम इसमें नमक स्वादानुसार और मटर भी हमारे अच्छे से हो जाना चाहिए। एक 2 मिनट हम इसमें मटर को होने देते हैं। अब हम इसमें डालते हैं गरम पानी, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बस अब इसे होने देते हैं। अब इसे देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया हो गई है। अब इसमें डालते हैं किचन किंग मसाला, 1 चम्मच किचन किंग मसाला और ये हमारे फ्राई किए हुए पनीर, इसे और होने देते हैं। और इसमें डालते हैं, ये पनीर है ये थोड़ा सा इसके डाल देते हैं, इससे बहुत ही अच्छी थिकनेस भी आएगी और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगी। मिक्स कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा बटर, इसे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगी बटर से। और इसे अभी 5 मिनट होने देते हैं। वाव मस्त, अभी सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। बढ़िया मटर पनीर बनके तैयार है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे आ जाएगा। थैंक यू।